What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 23 मई। आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में। और जब टर्टल की बात आती है, आप कछुए बोल सकते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में काफी फेमस एक एरिया है जो कि इसके लिए फेमस है। ये है गिरिमाथा। गिरिमाथा आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आप लोगों को मैप में जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। ये आप लोग देखिए, उड़ीसा के कोस्ट पर ये देखने को मिलेगा। तो ये इतना फेमस है यहाँ पर, जो भी इस वाले एरिया में पर्टिकुलर यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो भी कछुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं। तो काफी फेमस है और ये एक सीजनल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम भी निकल कर आती है आज की डेट में। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि आज की डेट में चहल पहल इतनी रहती है कोस्टल एरिया में कि वहां पर अंडे देने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती है, या फिर बहुत सारे उनके अंडे तोड़ दिए जाते हैं या फोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उड़ीसा कोस्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो वर्ल्ड टर्टल डे है ये इसी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनके हैबिटेट को। और दो वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो बोलते हैं टर्टल और दूसरा बोलते हैं टॉर्टोइज। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मली आप लोगों को जमीन पर देखने को मिलेंगे यानी कि लैंड पर देखने को मिलेंगे, और ये जो वाले होते हैं ये वाले आप लोगों को पानी में देखने को मिलेंगे। ये इनमें मेजर एक डिफरेंस पाया जाता है जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। और जब हैबिटेट प्रोटेक्ट करने की बात आती है टर्टल टॉर्टोइज के लिए नहीं, ये किसी भी आप लोग पक्षी के लिए भी आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में, जो इतना हम लोग पेड़ काट रहे हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आज की डेट में निकल कर आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस आप लोगों को पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है। आज है 23 मई और देख लेते हैं आज क्या क्या हम लोग को अपना नैनो मैगजीन के तहत डिस्कस करना है। नैनो मैगजीन ये हमारा हमारे द्वारा क्रिएट की गई एक मैगजीन है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, जिसके तहत आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। और ये भी नजारा आप लोग देख सकते हैं, ये है उड़ीसा के उसी कोस्ट का नजारा जिसको मैं अभी आप लोगों को मैप में दिखा रहा था, कुछ ऐसा नजारा आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ग्वेटमाला के बारे में। ग्वेटमाला सेकंड कंट्री हो गई है वर्ल्ड में जिसने अपनी एम्बेसी जेरूसलम में ओपन करने की बात की है, मतलब ओपन कर रही है। अभी यहां पर हम लोगों ने देखने को मिला कि यूएसए ने अपनी जो एम्बेसी है वो जेरूसलम में ओपन करी, ठीक है। तो अब ग्वेटमाला यहां पर सेकंड कंट्री हो गई है यूएसए के बाद में। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, यह है ग्वेटमाला। थोड़ा सा अगर आप लोगों को दूसरे मैप में दिखाऊं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला, देखिए इस वाले मैप में अगर आप लोग इंडिया देखेंगे तो यहां पर सामने आप लोगों के इंडिया है, यहां पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से कंपेयर करेंगे अगर आप लोग, यहां से जूम करके थोड़ा और दिखाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए ग्वेटमाला की लोकेशन क्या है। ये आप लोगों के सामने ऊपर मेक्सिको हो गया और नीचे आप लोगों को यहां पर ये जो वाला एरिया है ग्वेटमाला ये वाला देखने को मिलेगा। कैरेबियन सी हो गया, यहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया। तो ये कंट्री भी अब यहां पर अपनी एम्बेसी खोलने जा रही है, कहां पर? जेरूसलम में, जो कि काफी विवादित एरिया है। किसके बीच बीच में विवादित एरिया है ये देखिए, एक मिनट, ये आप लोगों के सामने यहां पर इसराइल या फिर पैलेस्तीन दोनों का मैप। पैलेस्तीन के दो डिवाइड में पोर्शन आप लोगों को नजर आएंगे, एक हो गया गाजा स्ट्रिप जिसको गाजा पट्टी बोला जाता है, दूसरा हो गया वेस्ट बैंक। और यहां पर जॉर्डन है इधर, और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसराइल हो गया और ये पैलेस्तीन आप लोग बोलिए इसको। तो यहां पर इसके बीच में डेड सी है, काफी फेमस है यहां पर। इसकी जो डेंसिटी आप लोगों को इतनी नजर आएगी कि आप आगे इस पे लेट भी जाएगा ना कोई इंसान तो वो डूबेगा नहीं, मतलब इतना ज्यादा नमक आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। गोलान हाइट काफी फेमस रहती है और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया भी माना जाता है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग यहाँ पर लेबिनन देखने को मिल रहा है और ये हो गया सीरिया। तो अभी क्या हुआ, नॉर्मली आप लोगों को जो एम्बेसी देखने को मिलेगी हर एक कंट्री की, ये तल अवीव में देखने को मिलेगी। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन आया कि वो अपनी एम्बेसी ट्रांसफर कर रहा है तल अवीव से जेरूसलम में। जेरूसलम एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है और काफी फेमस एरिया है जो कि यहां पर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी फेमस एरिया है। तो यहां पर जो पैलेस्तीन वाले हैं वो भी बोलते हैं ये हमारी कैपिटल है, और जहां पर इजराइल है वो भी बोलते हैं हमारी कैपिटल है। तो जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री है, इवन इंडिया यानी कि हमारी कंट्री की भी जो हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है वो भी तल अवीव में ही है। पर लेकिन यूएसए ने यहां पर ट्रांसफर कर दिया और कई सारी कंट्री और भी बोल रही है कि हम भी यहीं पर ही ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो सेकेंड कंट्री यहां पर ग्वेटमाला है जो ट्रांसफर करने की यहां पर बात कर रही है। और तीसरी कंट्री यहां पर होने जा रही है पैराग्वे। पैराग्वे कह रही है कि मैं भी ऐसा ही पाथ फॉलो करूंगा जैसा कि यहां पर यूएसए ने और ग्वेटमाला ने फॉलो किया है, उसी के मुंह पर हम भी अपनी एम्बेसी तल अवीव से जेरूसलम में यहां पर ट्रांसफर करेंगे, कुछ ऐसी बात बोली गई यहां पर पैराग्वे के द्वारा। इसको भी आप लोग मैप में निहार सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, यहां पर आप लोगों के सामने है, ये है पैराग्वे, ठीक है। तो ये भी कंट्री तीनों मिलकर जल्दी ही फ्यूचर में अब यहां पर एम्बेसी नजर आएंगी जो कि जेरूसलम में। ओके, और हाँ ये तो हो गया आर्टिकल। एक और बात आप लोगों से करनी थी। देखिए एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप लोग मॉर्निंग में 4 बजे तो वीडियो डाल देते हैं पर लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो काफी इंटरेस्टिंग सा एक आइडिया आया मेरे माइंड में,
हो सके तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को हो सके ये फायदा पहुंचाएगा अगर आप लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करेंगे। आप क्या करते हैं, जब भी वीडियो देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर मैंने आप लोगों से बोल रखा है क्वेश्चन लिखा कीजिए, वो भी आप लोग लिखते हैं। तो आज से आप लोगों को यह करना है, क्वेश्चन या गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी आप लोग लिख रहे हैं, मेरा तो सजेशन ये क्वेश्चन लिखा कीजिए, पर लेकिन अगर गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून भी आप लोग लिख रहे हैं ना, जो भी आप लोग लिख रहे हैं उसके ब्रैकेट में आप लोग अपना टाइम लिखिए, मतलब किस टाइम आप लोग वो वीडियो को देख रहे हैं। और कोशिश ये करनी है कि डेली वो कमेंट लिखने का टाइम आप लोगों को घटाना है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब कहने का ये अगर आप लोग मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो कोशिश ये करनी है कि अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे 10 मिनट घटाइए डेली, 15 मिनट घटाइए या आधा घंटा घटाइए। आप अगर मॉर्निंग में 8 बजे उठ रहे हैं तो आप लोग क्या करना है, डेली 15-15, 20-20 मिनट घटानी है, क्योंकि कमेंट में जो होना चाहिए, मान लीजिए आप लोगों ने कमेंट लिखा गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, तो ब्रैकेट में वो टाइम लिखिए और वो टाइम आप लोगों का डेली घटता हुआ होना चाहिए। कोशिश कीजिए उसको 4 बजे तक लेकर आने की, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग ये टास्क भी आप लोग लीजिए, सिर्फ टास्क की तरीके से लीजिए तब आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा आइडिया लगा, सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, ये एक अच्छा आइडिया आप लोग बोल सकते हैं मॉर्निंग में उठने के लिए, आपका अपने लोग आपका अपने आपके ही साथ में एक कंपटीशन आप लोग इसको लेके चलिएगा। और हाँ, ये बस उनके लिए है जो मॉर्निंग में उठना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं इवनिंग में देखते हैं वीडियो को तो वो अपना अपना पैटर्न बना के जिस तरीके से चल रहे हैं वो चलते रहिए, ये उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मॉर्निंग में उठना चाहते हैं और नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल AS होता है और एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होगा इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। आप लोगों ने 10th में या फिर 12th में ये चीजें याद करी होंगी, अगर साइंस सब्जेक्ट आप लोगों के पास में अगर नहीं है तो डरने की बात नहीं है, हल्की फुल्की चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये नॉर्मली आप लोगों को क्या चीजें देखने को मिलती हैं, पानी जो है काफी पॉल्यूटेड होता हुआ जा रहा है, तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जिसके तहत यहाँ पर वाटर से पॉल्यूशन को हटाने के लिए कई सारी बातें आ रही है निकलने कर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा यहाँ पर कोलेबरेट करके विद ए कंपनी एक नई डिवाइस खोजी गई है जिसको बोला जा रहा है आर्सेनिक सेंसर एंड रिमूवल मीडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आर्सेनिक जो यहाँ पर पानी में पाया जाता है उसको हटाने की बात कर रहा है, उसको रिमूव करने की बात कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अटैच किया गया है किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि पानी देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जल ही जीवन है, पर लेकिन अगर जल ही खराब हो तो फिर जीवन का क्या मतलब रह जाएगा, फिर जीवन भी खराब हो जाएगा। तो ये पानी को सेफ बनाएगी और ऐसा बनाएगी ताकि उसे जो घर है उसमें हम लोग यूज कर सके आराम से, खाना बनाने या सब्जी बनाने या फिर पीने के लिए। तो ये डिवाइस काफी इजी रहेगी और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली रहेगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी डिवाइस हम लोग बना रहे हैं और वो पानी जैसी चीजों के लिए अगर यूज की जा रही है तो उसको नॉर्मल सी बात है कॉस्ट इफेक्टिव ही बनाना पड़ेगा ताकि हर एक इंसान यूज कर सके। वेरी सिंपल रहेगी और आसानी से यहाँ पर डिटेक्ट कर सकती है, मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी यहाँ पर इसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पर पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। वैसे तो साफ हो नहीं पाएगा, फिर तो जनता परेशान रहेगी। तो ये काफी अच्छे डिवाइस आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये एकदम कलर चेंज करके बता देगी कि यहाँ पर पानी में कितनी इसमें कितना कंटेमिनेटेड वाटर है। और आर्सेनिक आप लोगों को नेचुरली अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें भी देखने को मिलता है। अर्थ की 3 लेयर होती है, ठीक है ना, तीनों लेयर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। ये बताइए कि तीनों लेयर का बाहर से अंदर की तरफ को अगर बढ़ेंगे उनके क्या क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के बारे में। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है DGTR। ये क्या है DGTR? इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। तो अब ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आप लोगों को एक नया एक डिपार्टमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री के अंडर में आएगा। काम क्या करेगा, काम ये करेगा अगर हम किसी कंट्री के साथ में ट्रेड करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसका सोल्यूशन यहां पर निकालने का काम करेगा। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, सेफगार्ड्स मेजर्स लगाए जाते हैं, मतलब एक अगर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है अगर वो कोई उल्टी सीधी हरकतें करती है तो उसका किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उसके बारे में यहां पर पूरा काम करेगा। मतलब ट्रेड जो है एक दूसरी कंट्री के साथ में जो हम लोग करते हैं उसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करेगा ये डिपार्टमेंट। और इसके अलावा एक नया स्टेप और उठाया जा रहा है, देखिए कई सारे डिपार्टमेंट अगर एक ही काम करते हैं तो वो भी एक बर्डन बना रहता है, तो यहाँ पर ये 2-3 डिपार्टमेंट यहाँ पर मर्ज करने वाले हैं। एक तो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, ठीक है, एक तो ये वाला। दूसरा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड, ये है DGS। तीसरा है
तीसरा है सेफ गार्ड्स, ठीक है ना, सेफ गार्ड्स एंड क्यूआर फंक्शन भी आज की डेट में जो इनको मिला के करेगा अब यहाँ पर काम। मतलब कहने का ये है कि जो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट हो गए इनको भी यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, ठीक है। इतने ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखे है किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये यहाँ पर किया गया है और काम क्या करने वाला है, दो पॉइंट आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और ये है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी, पहले इनके पास में रेलवे मिनिस्ट्री हुआ करती थी पर बाद में इनके अब इनको कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है जो कि काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है आज की डेट में। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया है भूषण स्टील को। देखिए कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो कि ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं और उनका बहुत सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, मतलब कि बहुत सारा ऐसा यहाँ पर बेकार उनका काम हो जाता है कि वो यहाँ पर जो प्रॉपर लोन लिया है उसको भी पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक करप्ट हो जाते हैं या फिर आप लोग हिंदी में बोले तो दिवालिया हो जाते हैं, उनका दिवालिया निकल जाता है। तो उसकी वजह से ऐसे यहाँ पर लाभ बनाए जा रखे हैं हमारी कंट्री में, बैंक करप्सी कोड आप लोग बोल सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में अगर कोई दिवालिया हो जाता है तो वहां से किस तरीके से हम लोग उसको प्रॉफिटिंग की तरफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर अभी टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया है भूषण स्टील को और लगभग 72.65% इसके जो शेयर है इसने खरीद लिए, ठीक है। तो आज की डेट में आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजिंग हो गई है अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट जिसके अंडर में आ गया है वो भूषण स्टील का टाटा स्टील के अंडर में आ गया है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा याद रखेगा, ज्यादा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर याद रखेगा किसके द्वारा किसको एक्वायर किया गया है और 72% इसके शेयर एक्वायर किए गए यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोगों को जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया इसको कि हाँ अब इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए लॉस मेकिंग यहाँ पर ये कंपनी चल रही थी, अब यहाँ पर इसे एक अच्छे तरीके का यहाँ पर आप लोगों को एक नया आप प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि अब एक अच्छे मैनेजमेंट के अंडर में ये काम करेगी। ओके और हाँ एक आप लोगों का डे छूट गया था इसको मैं अभी कवर करा रहा हूँ, एक मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को छूटेगा नहीं, ठीक है। भले ही उसको थोड़ा लेट करा दूँ एक दो दिन बाद में या दो तीन दिन बाद में आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिले, पर आप लोगों का वो टॉपिक कवर जरूर होगा। तो आप लोग प्रॉपर वे में अगर फॉलो करके चलते रहेंगे तो आप लोगों का सब कुछ यहाँ पर कवर होता रहेगा। ओके आइए देखते हैं आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में। 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और जो इस बार की थीम है ये है म्यूजियम एंड हाइपर कम्युनिकेशन, ठीक है, न्यू अप्रोच एंड द न्यू पब्लिक। तो देखिए म्यूजियम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी तस्वीर आप लोगों ने बहुत सारे फोटो आप लोगों ने देखे होंगे म्यूजियम के अंदर, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए होते हैं क्योंकि बहुत सारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिनके बारे में जानते नहीं है, उनसे अगर पुराने कुछ ऐसे तत्व होते हैं कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर रखी जाती है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है ये 1976 में इनिशिएटेड किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। ऑब्जेक्टिव बस यही रहता है कि किस तरीके से अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं, किस तरीके से कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी कल्चर के बारे में, किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में, लोगों में एक दूसरे कॉन्टैक्ट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यही सारी बातें होती हैं मिला जुला के ही होता है कि एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है जब इस तरीके का डे सेलिब्रेट करने की बात आती है। तो ओके तो इसके बारे में भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। खेलो इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया था जिसके तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में जो गेम है उसको डेवलप करने की बात की गई थी, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट। तो ये स्टेट किया गया था कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में स्पोर्ट को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कई सारी बातें देखने को मिलेगी। कई बार जिस तरीके से ओलंपिक की बात की जाती है, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है पर लेकिन हम लोग ज्यादा मेडल वहां पर नहीं ला पाए, तो ये काफी एक इरिटेटिंग फैक्ट लगता है कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और फिर भी मेडल नहीं लेके आ पाती है। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया यहां पर स्टार्ट किया गया ताकि आने वाले जो ओलंपिक गेम है उसके लिए हम लोग अपने प्लेयर को तैयार कर सके। तो खेलो इंडिया के तहत अब एक नया एडिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर फर्स्ट पैरा नेशनल गेम की बात की जा रही है जो कि बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। मतलब जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी ने किसी तरीके से किसी एरिया में विकलांग है, उनका कोई ना कोई पार्ट जो बॉडी का है प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सके, तो यहाँ पर पैरा नेशनल गेम को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब बेंगलुरु में आप लोगों को देखने को मिलेंगे June 28 से July 7 तक, तो ये गेम यहाँ पर चलने वाले हैं जिसमें जो पैरा खिलाड़ी है जिस तरीके से कोई भी इस तरह का खिलाड़ी है जिसके पैर में हाथ में कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। पैरा और जो यहाँ पर पैरालंपिक कमेटी है इंडिया उसके द्वारा यहाँ पर टेक्निकल जो भी बातें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, खेलो इंडिया को और ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। एज ग्रुप जो है यहाँ पर 16 से 40 के बीच के हैं, 16 से 40 के बीच में जो भी मैन और वुमेन है वो यहाँ पर 10 गेम में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेम क्या है, पैरा एथलीट यहाँ पर बैडमिंटन, चेस, इसके अलावा ब्लाइंड जूडो, पैरा पावर लिफ्टिंग,
शूटिंग, पैरा स्पोर्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल मिला के 10 गेम है, रटने नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कभी रटने बैठ जाओ इनको तो सीधा का मत, सीधा सीधा मतलब ये है कि एक नए लेवल पर हम लोग अपनी कंट्री में गेम को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे और लिखोगे तब तो नवाब बनोगे ही बनोगे। तो दोनों ही चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब दोनों ही तरीके से आज की डेट में ये कहावत आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर के द्वारा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से हम लोग गेम को पहुंचा सकते हैं, मतलब गांव गांव में खेल को पहुंचा सकते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई थी, और किस तरीके से इसको एस्टेब्लिश करना है अपनी कंट्री में। नेशनल के लेवल पर अगर गांव से उठाकर किसी खिलाड़ी को नेशनल के लेवल पर कैसे पहुंचा सकते हैं, पूरा फोकस इसके ऊपर यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर जो आर्टिकल है ये अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना जो मई 2015 में स्टार्ट की गई थी, आज की डेट में यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं जो यहां पर इसका लाभ उठाने के लिए तैयार है। अटल पेंशन योजना, तो पहले अगर बात करें इस योजना को बोला जाता था स्वावलंबन योजना, ठीक है। आप लोगों ने पहले सुना होगा कांग्रेस के टाइम पर जो नाम हुआ करता था स्वावलंबन, इसका नाम रखा गया था, जो कि टारगेट करती थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे होते हैं, जैसे बैंक हो गया, स्कूल्स हो गए, या कोई प्राइवेट फर्म हो गया जहां पर प्रॉपर वे में एम्प्लॉय, प्रॉपर वे में आप लोग काम करने जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रेडी लगाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, तो इस तरीके सेक्टर को यहां पर ये फोकस करके चलेगी, ठीक है। बजट 2015 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर 9th में कोलकाता से इसको स्टार्ट किया था, और बोला था कि ओनली हमारी कंट्री में 20% लोग आज की डेट में पेंशन स्कीम को एंजॉय कर पाते हैं। पर लेकिन इसको बढ़ाने की बात की गई थी, तो उसी की तरफ को चलता हुआ ये एक कदम रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर यहां पर अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया था। तो ये जो यहां पर योजना है, और आखिर स्कीम, आखिर पेंशन का फायदा क्या होता है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो उनके लिए पेंशन काफी इंपॉर्टेंट होती है ताकि बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होते हुए भी अपने माँ बाप को जो ढंग से देख रेख नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। कई सारे तो ऐसे होते हैं जो जॉब नहीं कर पाते हैं तो तब माँ बाप के अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं बदतमीज काइंड के इंसान होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की देखरेख भी नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर भी ये पेंशन बहुत फायदा पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर रहे हैं, फॉलोड बाय बिहार, और इसके बाद में तमिलनाडु। तो ये 3 एरिया ऐसे जिनमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया है इस स्कीम को, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक तरह सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का यहाँ पर काम करने वाली है, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो ये स्कीम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, खासकर बैकग्राउंड के साथ मैंने आप लोगों को बताया, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ग्लोबल एनवायरमेंट कॉम्पैक्ट के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो यूएन की जनरल असेंबली है उसने अभी अडेप्ट किया है यहाँ पर एक रिजोल्यूशन, जिसके तहत काम ये किया जाएगा कि ग्लोबल जो एनवायरमेंट है उसको ढंग से करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, जो भी वहां पर सब मिलकर डिसाइड करेंगे वो हर एक कंट्री पे बाइंडिंग होगा। ऐसा नहीं है मर्जी है कि आप लोगों को करना है या नहीं करना है, तो एक बाइंडिंग यहाँ पर पैक्ट लाने की बात की जा रही है। जी हाँ, जो भी यहाँ पर गैप रह गए थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, तो कहीं ना कहीं उसको भी भरने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और एक बात और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि देखिए ये एक इस तरीके से है कि कोई भी कंट्री अगर पार्टिसिपेट करेगी यहाँ पर, तो वो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ऑटोमेटिकली जो इसका मेंबर रहेगा उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग रहेगा। स्पॉन्सर किया गया था ये फ्रांस के द्वारा, और यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया 143 कंट्रीज के द्वारा। ईरान, फिलीपींस, रसिया, सीरिया, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट ने वोटिंग अगेंस्ट में की है, मतलब वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्री रही है जिन्होंने यहाँ पर वोट ही नहीं किया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पैक्ट है, आगे आने वाले टाइम में अगर बाइंडिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट में एक सुधार होता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं जो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें भी कोई ना कोई सहूलियत यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर अवार्ड के बारे में। कांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसके तहत यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स को यहाँ पर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो श्रीदेवी जी, जिनकी आप लोगों ने अभी देखा डेथ हुई थी कुछ दिनों पहले, उनको ये टाइटल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया यहाँ पर, जिसका नाम है टाइटन रीजनल एफ लुइस फिल्म आइकन अवार्ड। तो 71st कांस फिल्म्स में यहाँ पर अवार्ड देखने को मिला, और आप लोगों को पता है कि इनकी डेथ हो गई तो इनका फैमिली मेंबर भी कोई वहां पर लेने नहीं गया है। यहाँ पर जो फिल्म मेकर है सुभाष घई और जो प्रोड्यूसर थे यहाँ पर ये है नर्मदा गोयल, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया बिहाफ ऑफ द जो श्रीदेवी की फैमिली है उनके बिहाफ में।
और ये अवार्ड खासकर वुमेन को दिया जाता है। वुमेन इंपावरमेंट का भी आप लोग बोल सकते हैं, किस तरीके से वुमेन को हम लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं। और कांस फिल्म फेस्टिवल आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी फ्रांस में, तो ये लोकेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी इनकी डेथ हुई और काफी सुर्खियों में भी थी, तो कई बार यहाँ पर बातें बोली जा रही थी कि डेथ के पीछे क्या रीजन है, तो वो भी बातें निकल कर आई थी। तो इस तरीके के अवार्ड पूछे जा सकते हैं, खासकर अगर न्यूज में है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जीत लिया है यहाँ पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का यहाँ पर अवार्ड, और ये आप लोगों को मर्सिडीज के ड्राइवर हैं यहाँ पर जो नजर आएंगे, और यहाँ पर नंबर वन पर ये रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये है विटेरी बोटेस, ठीक है ना, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, ये नंबर सेकंड पर रहे हैं और दोनों ही मर्सिडीज के ड्राइवर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर हुई थी ये, फ्रांस में हुई थी, बार्सिलोना कैटालोनिया, ये लोकेशन थी जहां पर ये पूरा ये रेस हुई, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो छोटी गाड़ी होती है उनको दौड़ाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, खासकर प्लेयर के नाम आ जाते हैं कि कौन सी टीम से बिलोंग करता है। हल्का सा आइडिया आप लोग रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पॉलिटिकल रिवीजन के साथ साथ में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी नीपा वायरस के बारे में, आप लोग वो वीडियो और पॉलिटिकल ये वीडियो दोनों जाकर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक पर, लिंक पर क्लिक करके। उस वीडियो में डिटेल में बताया नीपा वायरस कहाँ से स्टार्ट किया गया, हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन है, और काफी इफेक्ट के साथ यूज करके वो वीडियो बनाई है, मतलब काफी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो आप लोग देख के वीडियो को देख के बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और खासकर मेरा बनाने का पर्पज ये था कि सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, हमारी सोसाइटी में ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सोसाइटी में अगर अवेयरनेस रहेगी तो हम लोग कुछ डेथ को रोक सकते हैं, क्योंकि नीपा वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसकी कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है कोई, तो प्रिवेंशन ही वहां पर एक सोल्यूशन है। तो इसीलिए आप लोगों को देख सकते हैं, अगर वो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे तो काफी फायदा रहेगा सोसाइटी के लिए भी, और खासकर अगर इस तरीके की चीजें अवेयरनेस आप लोग वीडियो नहीं तो अपने खुद से बताकर भी शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो खुद भी देख सकते हैं, काफी इफेक्ट्स वगैरह यूज करके वो वीडियो बनाई गई है, लिंक आप लोगों को दोनों के यहां पर मिल जाएंगे और वीडियो के नीचे भी आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया आज। हम लोगों ने देखा वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में, 23 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट एक दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर जानने को मिला ये था डिवाइस जो कि डिटेक्ट कर सकती है आर्सेनिक को, ओके डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर आर्टिकल देखने को मिला, यह है DGTR के बारे में, एक नया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो कि अपने ट्रेड की जो फैसिलिटी है हमारी कंट्री में उसको आसान बनाएगी। इसके अलावा टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया है भूषण स्टील को, डिटेल में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ग्वेटमाला सेकंड कंट्री बन गई है जेरूसलम में एम्बेसी खोलने वाली, डिटेल में आर्टिकल देखा। श्रीदेवी को यहां पर नया एक अवार्ड दिया गया है इनकी डेथ के बाद में, इसके बारे में डिटेल में जाना। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर खेलो इंडिया के तहत जानने को मिला पैरा गेम्स भी नेशनल के स्टार्ट हो रहे हैं जो कि बेंगलुरु में, लोकेशन जरूर याद रखिएगा, 16 से 40 साल की उम्र है और 10 तरीके के खेल यहां पर खेले जाएंगे, ओके इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर लुइस हैमिल्टन के बारे में जाना जिन्होंने स्पेन में यहां पर ये ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार। नेक्स्ट हम लोगों ने अटल पेंशन योजना के बारे में डिटेल में जाना विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पर एक ग्लोबल इंपैक्ट इन्वायरमेंट पैक्ट के बारे में जो कि फ्रांस के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और एक तरीके का बाइंडिंग ये पैक्ट आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया। इसके अलावा आप लोगों को पॉलिटी और नीपा वायरस की वीडियो के मैंने लिंक बताए थे, वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, और स्क्रीन पर भी अगर एंड तक आप लोग पहुंचेंगे तो स्क्रीन पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। बाकी शाम को आप लोगों को यहाँ पर वीडियो जो थोड़ी लेट हो गई थी कल, वो मैंने लगभग 8 बजे डाली थी, तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 4:30 बजे मैंने नीपा वायरस वाली वीडियो डाली थी, ओके। इसके अलावा अगर चीजें पसंद आती है तो शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए, और लेक्चर को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। बाकी आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं और नीचे सजेशन लिख सकते हैं कि क्या आप लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।